गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। श्री मंटू ब्लॉक में आपका स्वागत है और आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बरकाकाना एवॉर्डिंग स्टेशन। बरकाकाना जंक्शन नहीं, बरकाकाना एवॉर्डिंग स्टेशन है। और ये एवॉर्डिंग का अर्थ होता है, यानी कि इसका हिंदी होता है बचना, यानी कि जंक्शन से बचने के लिए ये स्टेशन बनाया गया है। और आपको लेके भी चलता हूँ और ये नज़ारा भी दिखा रहा हूँ। अभी देखिए ये जो ट्रेन पार हो रही है, आपको ये देख रहे हैं, ये बोगियाँ पार हो रही है मालगाड़ी की। ये बरकाकाना से निकल के गुमो की ओर जा रही है, वो दूसरे लाइन पे है। इसका बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे ये बरकाकाना का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। बरकाकाना जंक्शन में ज़मीन की समस्या है और वहाँ पे मास्टर प्लान बनने में दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे ये स्टेशन भाई इसको देखते हुए ये स्टेशन बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये आपका बरवाड़ी से चल के निकलेगी और यहाँ पे भविष्य में ठहरा होगी। अभी यहाँ पे मालगाड़ी रुकती है और अभी सवारी गाड़ी नहीं रुकती है और बरकाकाना घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए बरकाकाना से निकली हुई है और ये नज़ारा है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नज़ारा है और ये यहाँ से गुमो की बरवाड़ी की ओर आती है, आप देख सकते हैं ये बरवाड़ी की ओर आती है और ये डायरेक्ट ये बरकाकाना स्टेशन सीधा निकल जाती है। ये जो पटरी आगे आप देख रहे हैं, आगे वाली देखिए, ये बरकाकाना स्टेशन की ओर जाती है, ठीक है। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं, यहीं बरकाकाना जंक्शन है और फिर वहाँ से निकलती है और ये फिर वहाँ से घुमा कर ये इधर गुमो की ओर जाती है या फिर कोडरमा की ओर जाती है। तो इसलिए ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि यहाँ से आएगी और यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। ये बरकाकाना अवेडिंग स्टेशन, यानी बरकाकाना स्टेशन से बचने के लिए बनाया गया ठहराव के लिए। अभी मालगाड़ी रुकती है, देखिए एक मालगाड़ी रुकी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं ये मालगाड़ी रुकी हुई है। दिक्कत ना हो और लाइन क्लियर रहे। और ये नज़ारा देखिए, ये बता रहा हूँ कि ये मास्टर प्लान को देखते हुए कभी भविष्य में इस स्टेशन को बड़ा बनाया जाएगा। वहाँ पे ज़मीन नहीं रहने के कारण इस स्टेशन को बनाया गया और यहाँ पे पूरी तरह ज़मीन है, रैयत भी है, लेकिन सरकार चाहेगी तो लोगों को नौकरी दे सकती है ज़मीन लेके, बट अब ये रैयत ज़मीन है, कुछ जीएम लैंड भी है। और ये नज़ारा है, एक गांव है उर्लूंग और यहाँ तक फैली हुई है। और ये नज़ारा है, उधर घुटुआ है, घुटुआ बस्ती है, चनगड्ढा है और आगे की ओर ये नज़ारा है आपका बरकाकाना। यहाँ पे बरकाकाना 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप बात करें 4 लाइन से, यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में 4 लाइन है, आपका पतरातु 4 लाइन जोड़ती है और वहाँ से 4 लाइन घुटुआ बरकाकाना वही 6 से 7 किलोमीटर रामगढ़ की ओर है। और आप कि इधर जो जाती है पतरातु भुरकुंडा की ओर, पतरातु लेक रिजोर्ट यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर के बराबर है। और देखिए ये नज़ारा है, अगर भविष्य में ये मास्टर प्लान तैयार होती है, बरकाकाना एवॉर्डिंग से बरकाकाना जंक्शन बनती है, तो यहाँ से स्पेस बहुत सारे हैं, कॉलोनी भी बन सकते हैं, ऐसे आसार दिखने को मिल रहा है। और देखिए ये सुबह का टाइम है। हेलो गाइस, सो लेट मी नाउ एंड दिस इज प्लेस बरकाकाना एवॉर्डिंग स्टेशन एंड आफ्टर स्टेशन अरगड्डा स्टेशन। डिस्टेंस मैक्सिमम 3 and 4 किलोमीटर डिस्टेंस एंड 2 किलोमीटर बरकाकाना जंक्शन एंड 15 किलोमीटर एंड
एडजस्ट ये दिस इज मालगाड़ी एंड अरे नहीं समझ में आवे तो बोल रहे हम ही खोरठे में बोले हो कि अभी देख यहाँ मालगाड़ी खड़ा हो देख देख आई लियो बड़का काना अवॉर्डिंग स्टेशन। अवॉर्डिंग मतलब हो वो कि बचना, तो बड़का काना रेलवे स्टेशन से ना घुसे पड़तो इधरे मालगाड़ी घुसा हो और भविष्य में हो सके लो कि यहाँ पे बड़का काना स्टेशन बड़ा बनतो और ये जमीनवा देख रहे ली ना ये सब में हो सके लो सरकार ले लेतो और एकरे में मास्टर प्लान बनेतो। देख ले देख ले हो न यहाँ ये नज़ारा देख रहे ली ना यही नज़ारा में देखिए अभी तो छोटा स्टेशन बने लियो बड़का काना स्टेशन जी भी तो बड़के गो और में रांची पटना सब में जुड़तो घूमो बड़का का घूमो बरवाड़ी सब ओकरे में घुसो कोई दिन देखिए एकरो में घुसतो ये हमार वीडियो यूट्यूब में रहतो कभी खोल के देख भी लेबे। सो दोस्तों और नहीं समझ में आ रहा खोटा तो ये बता दूँ कि देखिए ये मालगाड़ी खड़ी है और ये बड़का काना अवॉर्डिंग स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये नज़ारा और ये मालगाड़ी ठहराव के लिए अभी फ़िलहाल बनाया गया है और देख सकते हैं ये अभी दो मालगाड़ी यहाँ खड़ी है एक इधर है एक और उस पटरी पे है और ये उधर की दूरी आपकी वो जो आप देख रहे हो बड़का काना की ओर आती है और ये नज़ारा हम आपको दिखा देता हूँ ये आपके बुरकुंडा की ओर जाती है पतरातो बुरकुंडा और खलारी और बरवाड़ी और अभी देखिए दो मालगाड़ियाँ रुकी हुई हैं और मैं स्टेशन की ओर ले चलता हूँ। चलिए वहाँ का भी नज़ारा व्यू दिखाता हूँ कितना शानदार है। फ्रंट कैमरा से ले रहा हूँ तो ये जो लिखावट है ये बंगला मत समझ लीजिएगा ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है बड़का काना अवॉर्डिंग और आपको चलिए आगे की ओर ले चलता हूँ। चलिए आगे स्टेशन की ओर ले चलता हूँ और ये नज़ारा है ये सब अभी खाली ज़मीन है कुछ खेत भी हैं और इस पर बिजली सप्लाई होती है यहाँ पे। देखिए ये बेतार से ले गए हैं और आगे की ओर ले चलता हूँ। मैं टहलने के लिए निकला हूँ आज इधर ही आया हूँ सोचा चलिए सुबह सुबह व्लॉगिंग कर लेता हूँ और साथ साथ टहल भी लेता हूँ और स्टेशन की ओर ले चलता हूँ और आप लोगों का नज़ारा भी दिखाता हूँ साथ साथ आप लोगों को कुछ कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त दूंगा और देख सकते हैं जो आप लोगों को जानकारी नहीं है बट भविष्य में ऐसा हो सकता है। चलिए चलिए दोस्तों मालगाड़ी और मैं स्टेशन के ऊपर जा रहा हूँ और ये जो पटरी देख रहे हैं आप यही बड़का काना स्टेशन की ओर जाती है। देखिए यहाँ से ये घूमकर यहाँ पे जाती है देखिए वहाँ पे जाती है फिर वहाँ से लौटती है और वो किनारे किनारे देखिए एक और यहाँ पे पटरी दिया हुआ है देखिए वो स्टेशन और वहाँ से ये अब नज़ारा है देखिए इस पटरी पे फिर ये यहाँ से गुजर के और वहाँ मिलाती है जो अभी मालगाड़ी जा रही है उस जगह पे। तो इसीलिए ये इसे बनाया गया स्टेशन। देखिए अभी मालगाड़ी जा रही है ये स्टेशन का नज़ारा ये बड़का काना अवॉर्डिंग हम लोग यहाँ पीटी करने के लिए भी आते हैं। देखिए टहलते हैं लोग और कितने दूरी में जाते हैं पता नहीं। सो गाइज से मैं व्यू लिया हुआ था और मैं अभी नीचे की ओर आ रहा हूँ। चलिए नीचे की ओर ले चलता हूँ नीचे की ओर जा रहा हूँ स्टेशन की ओर। और देखिए बड़का काना स्टेशन ये गांव है उर्लुंग गांव और ये स्पेस है अभी शानदार ये देखिए नज़ारा और मैं यहाँ चढ़ा था। सो दोस्तों अब मैं घर की ओर चला और ये नज़ारा देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें कमेंट्स करें और शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।